नमस्कार, मैं हूं शिवानी अग्निहोत्री। हमारी खास सीरीज हेलो किसान में आपका स्वागत है। कई राज्यों में जंगली जानवर और नील गाय से किसानों को शिकायत रहती है, लेकिन अब बिहार सरकार ने नील गायों और जंगली जानवरों से छुटकारा दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। यानी कि अब नील गाय की वजह से आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। आपको राहत दिलाने के लिए इसमें गाँव के प्रधानों का बड़ा योगदान रहेगा। वो कैसे, इस वीडियो में आगे जाने। बिहार के वन क्षेत्र की बाहर की जमीन पर फसलों की सुरक्षा के लिए जंगली जानवरों के शिकार का निर्णय अब स्थानीय मुखिया अपने हिसाब से ले सकेंगे। इसके लिए एक्सपर्ट शूटरों को चिट्ठी भेजकर बुलाएंगे और ऐसे जानवरों का शिकार करवा सकेंगे। वन क्षेत्र के अंदर की जमीन पर फसलों की सुरक्षा के लिए जानवरों का शिकार करवाने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों की अनुमति लेनी होगी। वन विभाग के बाहर फसलों के नुकसान के बारे में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की पहल पर राज्य सरकार ने मुखिया को निर्णय लेने का अधिकार दे दिया है। सरकार की इस नई व्यवस्था का काम बिहार के वैशाली जिले में शुरू हो चुका है। बता दें कि पहले फसलों को बचाने के लिए वन विभाग के कम से कम DFO स्तर के अधिकारी जानवरों के शिकार का निर्णय ले सकते थे, लेकिन इस प्रक्रिया में काफी समय लगता था। ऐसे में राष्ट्रीय वन प्राणी परिषद ने एडवाइजरी जारी करके कहा कि फसलों को बचाने के लिए जानवरों का शिकार करने का फैसला लेने का अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाए। इसके बाद वन विभाग के बाहर फसलों के नुकसान के बारे में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की पहल पर राज्य सरकार ने मुखिया को निर्णय लेने का अधिकार दे दिया है। हेलो किसान के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है। 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।